अगली खबर दिल को दहला देने वाली है, जहां चंबल का एक युवक 8 घंटे किडनैपर्स के चंगुल में रहा। किडनैपर्स ने उसके हाथ पैर बांध कर जीप में पटक दिया। उसके शरीर पर कई जगह चाकू भी चुभोए और मां को फोन लगाकर 10 लाख रुपए का इंतजाम करने को कहा। ये कहानी चंबल अंचल के उस युवक की है जो 8 घंटे तक किडनैपर्स की कैद में रहा है। किडनैपर्स गाड़ी लेने के बहाने उसे उठा ले गए, उसके हाथ पैर बांधे, आंखों पर पट्टी बांध दी, उसे जीप में सीट के नीचे पटक दिया, पिटाई भी की, शरीर में चाकू भी चुभोए, फिर परिजन से 10 लाख रुपए फिरौती मांगी। उसे लगा कि वह अब नहीं बचेगा। आखिर पुलिस ने रात तक उसे छुड़ा भी लिया। 8 घंटे तक वह दहशत में रहा। कोतवाली थाना पुलिस ने मोबाइल लोकेशन ट्रेस कर किडनैपर्स का पीछा किया। पुलिस ने जब बदमाशों को रुकने के लिए ललकारा तो वे नहीं रुके। पुलिस ने अपने वाहन से बोलेरो में टक्कर मार दी। इसके बाद बोलेरो को रोकना पड़ा। करीब 5 किलोमीटर तक पुलिस की गाड़ी बोलेरो में टक्कर मारती रही। इस चक्कर में पुलिस की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई। जब रात 10 बजे कोतवाली थाना पुलिस ने मुझे गाड़ी से उठाया और आंखों पर बांधी पट्टी खोली तो लगा जैसे भगवान ने बचा लिया। सामने पुलिस को देखकर मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी जल्दी मैं छूट जाऊंगा। पवन गोस्वामी को जब पुलिस ने उसके घर छोड़ा तो सामने माँ को देखते हुए फूट फूट कर रोने लगा, छोटे भाई से लिपट गया। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी घर लौट जाऊंगा। घर का हर सदस्य रो रहा था, सभी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। पवन बघेल और दीपक बघेल को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि तीसरा आरोपी धर्म सिंह तोमर भाग निकला है। पवन और दीपक दोनों बोलेरो में चल रहे थे, जबकि धर्म सिंह तोमर अपाचे बाइक से पीछे चल रहा था। पुलिस ने जब पीछा किया तो धर्म सिंह मौका देखकर भाग निकला। ग्राम मानपुर भल्ला भिंड निवासी अपहरणकर्ता दीपक बघेल ने बताया कि उसे पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए उसने अपहरण की साजिश रची। नादानी में यह सब कुछ हुआ। पुलिस ने अपहरण के मामले में मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। मुरैना SP आशुतोष बागरी ने बताया कि पकड़े गए दोनों आरोपियों को आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। पहली बार दोनों से पैसों के लिए साजिश रची थी। पुलिस को अपहरण की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर टीम बनाकर कार्यवाही की गई। चाकू चुबाया बंधक काशीपुर के मोड़ पे। अच्छा, माँ की पैसों की 10 लाख रुपए। अच्छा अच्छा, उसके बाद मेरा मुंह बंद कर दिया, मैं उसमें डला रहा। फिर उसके बाद तो पुलिस पहुंच गई वहाँ पे। पता नहीं, सर हो गया ये, मतलब गलती हो गई सर, बस तो बस नहीं चाहे इसको, मतलब पैसा आ जाएगा तो छोड़ देने। पर गाड़ी घुमाई थी तो पुलिस वालों ने आगे सर टक्कर मारी। इसमें तत्काल काम किया और साइबर सेल की लोकेशन निकाली बच्चों की, और इसमें घेराबंदी में दो लोग पकड़ में आ गए और लड़का भी जो है पुलिस ने बरामद कर लिया।